माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बैकलॉग एटीकेटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के क्वेरीज को, कि जैसा कि आपको पता है कल आपने बहुत सारे मैसेजेस किए जिसका मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मैं ईच एंड एवरी क्वेरीज के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें से एक सेशन ये होने वाला है कि यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बैकलॉग और एटीकेटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेरीज लेता हूँ मैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का अगर बैकलॉग है यानी केटी लगी हुई है तो उनको कैरी ऑन मिलेगा, यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एसवाई में जाएंगे, एसवाई के स्टूडेंट टीवाई में जाएंगे, ठीक है। और जो भी उनका बैकलॉग यानी जो भी उनकी केटी बची है वो आगे उनको कैरी ऑन मिलेगा, और कॉलेज स्टार्ट होने के बाद 120 डेज के अंदर उनका कैरी ऑन का एग्जाम हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड का एग्जाम उनका हो जाएगा और उनको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ ये। दूसरा क्वेरीज इनका एफ आई बी कॉम की क्वेरीज कि अगर सपोज ये सेमेस्टर में हम फेल हो जाते हैं तो क्या हमें कैरी ऑन मिलेगा। यस, आपको यहाँ पर भी कैरी ऑन मिलेगा, लेकिन वही सेम रूल अप्लाई होगा, कॉलेज स्टार्ट होने के बाद 120 डेज के अंदर आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी। यानी अगर प्रीवियस सेमेस्टर में केटी है तो भी आपको कैरी ऑन मिलेगा, और प्रेजेंट यानी जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उसमें इंटरनल्स के हिसाब से अगर आपको एग्जामिनेशन दे रहा उसमें भी आपको केटी लग रही है तो भी आपको कैरी ऑन 101% मिलेगा, लेकिन आपको कॉलेज स्टार्ट होने के बाद 4 महीने के अंदर आपको एग्जाम हो जानी चाहिए। ये इसका ख्याल खास कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी रखने वाली है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर के बच्चों का बहुत क्वेरीज है कि सर हम मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग बीकॉम बीएससी बीए एंड ऑल, सारे के सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज सर हमारा अभी जो चल रहा है वो 6th सेमेस्टर या आपका 8th सेमेस्टर ऐसा चल रहा होगा, यानी जिसके बारे में उन्होंने बोला है कि हम एग्जामिनेशन लेंगे, जिसकी एग्जामिनेशन 1st जुलाई से लेकर 25th जुलाई के बीच में होगा, और इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेरीज है इससे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी फाइनल डिसीजन है वो हम लोग 20 से 25 जून की मीटिंग में हम लोग डिसीजन लेंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे आपको प्रमोट करना है कि नहीं करना है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चों के बाद एक मन में क्वेरी था कि सर अगर सपोज मान लीजिए मेरे को सेमेस्टर 5 में केटी है तो मुझे कैरी ऑन कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरा तो फाइनल ईयर चल रहा है तो मुझे कैरी ऑन मिल नहीं सकता, ठीक है, एग्री। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मुझे मैसेज करेंगे सर हमें 7th सेमेस्टर में केटी है और वो 7th सेमेस्टर की केटी कैरी ऑन मिलेगा ना क्योंकि हमारा फाइनल ईयर है तो हमें कैसे कैरी ऑन मिलेगा। तो क्या हो सकता है अगर आपको कैरी ऑन नहीं, आपको किस तरीके से केटी को या बैकलॉग का किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है। तो जैसा कि उदय सामंत सर के स्टेटमेंट से जितना भी था उसमें कुछ जो प्रीवियस दैट इज एफएसवाई के स्टूडेंट या पार्ट वन के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट था, उसी तरीके से बेनिफिट आपको भी दिया जा सकता है। किस तरीके से बेनिफिट होगी, पहला बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ कि बैकलॉग को क्लियर यानी फाइनल ईयर के बैकलॉग को क्लियर करने के लिए आपकी बैकलॉग के एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है, ठीक है। लेकिन बैकलॉग के कंडक्ट के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना चाहिए, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा ताकि हमारी बैकलॉग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वहाँ से क्लियर हो जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि आपकी बैकलॉग, क्योंकि जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी और उनके जितने भी वाइस चांसलर्स है, मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जितने भी कमेटी में वाइस चांसलर, सभी लोगों ने आपके अच्छे के लिए ही सोचा गया है, उन्होंने आपकी सारी की सारी तकलीफों को समझा है, इसीलिए उन्होंने एफआईएसओ को प्रमोट किया है। लेकिन ऑफिशियल्स जो भी है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, वो उनके बैकलॉग के एग्जाम्स रखेंगे, और पॉसिबिलिटी अगर होगी तो अगर सिचुएशन नॉर्मल होगी तो शायद बैकलॉग के एग्जामिनेशन रख सकते हैं। सब मान लीजिए अगर आपके बैकलॉग के एग्जामिनेशन यानी अगर COVID-19 की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तब क्या करेंगे, अगर तो बैकलॉग के एग्जाम्स होगी तो इन दैट केस आपको वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर प्रमोशन दिया जा सकता है। जैसा कि आपको सेमेस्टर 6 में अगर बैकलॉग की मान लीजिए अगर COVID-19 की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो आपके फाइनल ईयर को प्रमोशन के क्राइटेरिया में दिया जा सकता है, उसी तरीके से आपके बैकलॉग को क्लियर करने के लिए भी इंटरनल इवैल्यूएशन का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन इस बैकलॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर अगर आता है जिसमें इसका क्लैरिफिकेशन मिलता है तो वो बैकलॉग से रिलेटेड सर्कुलर को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अगर जिस तरीके किसी भी तरीके की अपडेट मेरे पास आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका बैकलॉग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी कोर्सेज में हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, अगर इस चैनल पर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट मैं लेकर आता रहता हूं। मिलता आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।